माना जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेलपत्र वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्ते वाले बेलपत्र पाने वाले मनुष्य परम भाग्यशाली होते हैं। इसे शिव भगवान को अर्पित करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तिष्क शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता भी दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे भगवान हनुमान भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और कहा भी गया है, दर्शनम बेलपत्र से स्पर्शम पाप नाशनम, अर्थात बेलपत्र का दर्शन कर लेने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। और अगर बेलपत्र दुर्लभ या विशेष प्रकार का हो तो उसके क्या कहने हैं। शिव पुराण में कहा गया है, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों में संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। पूजन से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है। यदि आपको पूजन के लिए नए बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए गए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। ध्यान रहे, कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। बेलपत्र अगर दुर्लभ या विशेष प्रकार का हो तो फिर क्या कहने हैं। वैसे ज्यादातर देखा गया है कि बेलपत्र पर 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन 4, 5, 6 और 7 पत्ते वाले बेलपत्र भी पाए जाते हैं। इसके अलावा 12 और 13 पत्ते वाले बेलपत्र भी पाए जाते हैं। इसको पाने वाले मनुष्य बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं और इस प्रकार के बेलपत्र के दर्शन में बहुत शुभ माना जाता है। इस अनूठे प्रकार के बेलपत्र पर राम राम लिखकर शिव जी को अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई उपरेहित और कई जानकार पंडित बताते हैं कि 4-5 पत्ते वाले एक बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से 1000 बेलपत्र के बराबर की फल की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार 6-7 पत्ते वाले बेलपत्र एक बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाने से 1 कन्या के दान के बराबर की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के विशेष बेलपत्र पर चढ़ाने से पहले राम राम कुमकुम या श्वेत चंदन से लिखकर ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ऐसे और तथ्य और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी हिट करके रखें ताकि वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें।